हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज आप सभी के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है आपको क्या गुड न्यूज़ सरप्राइजेज ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग, क्या सरप्राइजेस मिल सकते हैं, आज इन सारी बातों पर हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ गाइस मैं, और आपके लिए गॉड गाइडेंस भी लूँगी, एंजल आंसर्स भी लूँगी। एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहेंगे। ठीक है, टाइमलेस है रीडिंग, जब भी आपका मन करे आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी यहाँ से जब भी आप रीडिंग को देखेंगे। चलिए अब देख लेते हैं क्या गुड न्यूज़ सरप्राइज ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको बहुत जल्द। टेम्परेंस सेजिटेरियस, सेवन ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, टावर, एट ऑफ वैंड्स एंड थ्री ऑफ वैंड्स एरीज लियो सजिटेरियस। And we have 10 of wands. Fire sign was strong है यहाँ पर. Bottom the deck से star और sun. Wow, दोनों ही cards आए हैं. Star और sun दे लेते हैं इन cards को भी. जी, तो guys, यहाँ पर है Leo, Sagittarius, Aquarius, Cancer, Scorpion, Pisces and Gemini, Libra, Aquarius. ये sign आया है यहाँ पर. अर्थ साइन यहाँ पर नहीं है, अर्थ साइन भी हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ जी। तो देखिए, सबसे पहली बात है आपकी लाइफ में ना आप टावर मोमेंट फेस कर रहे हो उस टाइम, काफ़ी हार्डशिप आ गई है, काफ़ी अकेलापन है आपको उस टाइम अपनी लाइफ में, और काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना आप कर रहे हो। यहाँ पर आपको सबसे पहली बात ही बोली गई है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया था जो कि बता रहा है कि आपको ना सब्र रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, समय के साथ साथ ये सेवन ऑफ कप्स मींस ये जो कन्फ्यूज़न है, जो उलझने हैं, क्लैरिटी जो नहीं है, ये सब दूर हो जाएगी आपकी। आपको पेशेंस रखना है, आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह बनना है, इनकी पर्सनैलिटी अपने अंदर लेकर आनी है ताकि आप कॉन्फिडेंट हो सकें, स्ट्रांग बन सकें। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ही पावरफुल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपको बनना होगा ताकि कोई आपको छोड़ने की बात भी सोचे ना अपने दिमाग में, और आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सको जो आपको चाहिए, इतने कॉन्फिडेंट आपको बनना होगा। ठीक है, मुझे लगता है आपकी आने वाले कुछ दिनों में आपके पास मैसेज आ रहा है, किसी ऐसे स्पेशल पर्सन का मैसेज आ रहा है जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको मैसेज करे। ठीक है, तो बहुत जल्दी, और यहाँ से भी एट ऑफ वैंड्स और एस ऑफ सोर्स दोनों ही कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं, तो हो सकता है कि जिनसे आपकी बहुत अरसे से बात नहीं हो रही है तो उनसे आपकी बातचीत फिर से शुरू हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो मुझे लगता है कि जिनसे आप कनेक्शन में हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आपके साथ। ठीक है, एक सिटी में नहीं हो आप, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बहुत बर्डन फेस कर रहे हो, बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हो, बहुत कठिनाइयाँ हैं। आई नो, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन में हैं इस टाइम, लेकिन यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएगी। ठीक है, आपको सबसे पहले तो खुद को ट्रांसफॉर्म करना होगा, आपको सबसे पहले तो क्वीन ऑफ वैंड्स की तरह बनना होगा, उसके बाद आपको सब्र रखना होगा। बहुत सब्र किया है आई नो, थोड़ा सा और करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, और सब्र करना होगा। जितना सब्र भगवान आपसे करवा रहे हैं ना, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको देंगे, गारंटी है,
क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से सन और स्टार का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में सन भी आएगा, आपकी लाइफ में दिन में इतनी रोशनी होगी, इतनी हैप्पीनेस होगी कि आप संभाले नहीं संभाल पाओगे, और रात में इतने स्टारफुल, मतलब आपकी रातें भी अच्छी होंगी, आपके दिन भी अच्छे होंगे, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। आने वाले टाइम में ये टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है, और आपकी लाइफ में सन और स्टार आने वाले हैं, मींस आपकी खुशियाँ, आपकी विशेज़ पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। और इस बार ये जो शुरुआत आपकी लाइफ में होगी ना, ये टेम्प्ररी नहीं होगी, ये स्टे होगा, स्टेबल होगा आपकी लाइफ में, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा और पेशेंस रखना तो सीखना ही पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपके पास कम्युनिकेशन आ रहा है, सही समय पर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सन और स्टार हमारे रीडिंग में आ गया, इससे अच्छी बात और क्या होगी। यहाँ पे क्लियर है कि आपको अबंडेंस मिलेगी, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सेवन ऑफ कप्स अगेन चूज वाइजली का कार्ड आ गया है, सेवन नंबर भी दिख रहा होगा आपको बहुत ज्यादा। क्राउन चाक्रा अगेन सेवन, ट्रिपल सेवन दिख रहा होगा, नंबर सेवन बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको। प्रॉस्पेरिटीज बिगिंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस नंबर वन आपके पास ना, डेफिनेटली आपको अवार्ड मिलने वाला है या रिवॉर्ड मिलने वाला है। जितना आपने पेशेंस रखा है, जितना आपने सोच समझ के अपने एक्शंस लिए हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाला है। भगवान आपको जजमेंट देने वाले हैं, या फिर आपको कोई कमिट करने के लिए आ रहा है, आपको मैसेज आएगा इस पर्सन की तरफ से, जिससे भी आप सोच रहे हैं ना, उम्मीद लगाए बैठे हैं। रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करोगे अपने लाइफ में, आगे सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में। मटेरियल हार्वेस्ट, आपके पास सब कुछ होगा फ्यूचर में, घर होगा रहने को, खाना होगा खाने को, अच्छे कपड़े और पीस होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। देखो यहाँ से ना ये कार्ड आ गया, वेटिंग गेम, थोड़ा सा वेट है, थोड़ा सा वेट, ये वेट आया ही है आपके लाइफ में। और देखो यहाँ से भी ना फिर से एस ऑफ सोर्स का कार्ड आ गया, ट्रायंफेंट सक्सेस, मीन्स आपके पास डेफिनेटली, देखो कुछ हो ना हो मैसेज जरूर रिसीव करोगे आने वाले कुछ ही टाइम में। कम्युनिकेशन के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हो सकता है देखो दो दिन में किसी को मैसेज आ जाए, हो सकता है दो हफ्ते के बाद आ जाए, हो सकता है टू मंथ्स, आफ्टर टू मंथ्स आपको कॉल या मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ जाए, तो यही ब्लेसिंग है। और ये जब कॉल या मैसेज आपको आएगा तो इसमें देखना क्या चेंज आएगा आपकी लाइफ में, आपके लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, ये पर्सन आपको शायद कमिट भी कर दे, ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। रेस्ट एंड रेजिग्नेशन, दो कार्ड आए, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रोकन हार्ट। हीलर ऑफ द एजेस, द वर्ल्ड, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, डोर टू स्पिरिट, बॉटम द डेक से कार्ड आया है। देखिए यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट है आपके पास, ठीक है, आपके आपका एक लाइफ पर्पस है जो कि आपको पूरा करना है। और अगर आप किसी के साथ डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं तो उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों का दिल अभी टूटा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अगर आप ही परेशान हैं तो वो खुश हैं, नो, वो भी परेशान है, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, आपने भी सरेंडर कर दिया, आप दोनों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, अपनी दुनिया बनाने की ज़रूरत है, अपने वर्ल्ड, मतलब अपनी दुनिया में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, स्टक नहीं होना आपको, और आपको गॉड की हेल्प तो हर वक्त मांगनी है, ठीक है, उनसे प्रेयर करनी है अगर इस पर्सन को चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि देखो गाइज यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो निकल कर आया है ना, वो यही निकल कर आया है कि आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है, आपकी यही विश हो सकता है पूरी हो जाएगी, यही आपको गुड न्यूज ब्लेसिंग यही है आपके लिए इस टाइम। कार्ड आया है यहाँ पर एक विन विन आउटकम, सॉरी अ न्यू साइकिल,
न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. होल्ड योर विजन. ओके, हो सकता है आपको विजन आ रहे हैं, आपको ड्रीम आ रहे हैं, जिससे कि आप पॉजिटिव रहोगे और जिससे कि आपको पता चलेगा कि आगे चलकर सब कुछ अच्छा हो जाएगा. हो सकता है आप ड्रीम में अपने पार्टनर को भी देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. नेगेटिविटी को बिल्कुल रिलीज कर दो और सब्र रखो. कंक्लूजन विद इन द रीच. बहुत जल्दी आपको कंक्लूजन मिल जाएगा. एंड यू आर गुड इनफ. आप गुड इनफ हैं, आपको जल्दी ही कंक्लूजन मिलेगा. जैसा कर रहे हो अपने लाइफ में करो. प्रेयर करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, और खुश रहो. चलिए अभी एंजल आंसर्स देख लेते हैं. एंजल्स आपको क्या कहेंगे, क्या बताएंगे. रिकंसीडर करने के लिए कह रहे हैं आपको एंजल. अबंडेंस, मैंने कहा ना अबंडेंस तो मिलेगी आपको, थोड़ा सा सब्र रख लो, अबंडेंस ही मिलेगी आपको. ट्रस्ट भी करके रखो, गॉड पे थोड़ा ट्रस्ट करो. चूज अ न्यू डायरेक्शन. बी असर्टिव. असर्टिव रहने के लिए कह रहे हैं आपको. और देखिए यहाँ पर ना पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आया है, और एक कार्ड और आया था, लिसन टू योर इंट्यूशन, वो मुझे दिखा था यहाँ पर, ठीक है. इंट्यूशंस को फॉलो करो, आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है. एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है. लेकिन उससे पहले आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा, ठीक है. रिकंसीडर कीजिए आप कहाँ गलत थे, आपके पार्टनर कहाँ गलत हैं, और उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए. डेफिनेटली ये पर्सन खुद आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे. मैंने बताया ना मैक्सिमम टू मंथ्स से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि आप तब तक के लिए ट्रस्ट बनाए रखिए अगर इस पार्टनर से प्यार करते हो. अगर और सिर्फ पार्टनर ही नहीं, जो भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, आप ट्रस्ट बना के रखो. आप 100% ये ट्रस्ट बनाओ कि यस ये आपको मिल के रहेगा, और ऑलरेडी मिल गया है, इस तरह से आप बिलीव कीजिए, ठीक है. डेफिनेटली अच्छा ही होगा, अच्छा आउटकम आपको मिलेगा, ठीक है गाइस. और आज होली का फेस्टिवल है, तो विश यू वेरी वेरी अ सेफ होली टू यू एंड योर फैमिली गाइस. अच्छे से आप होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिएगा, ठीक है. ध्यान रखिए अपना और अपनों का, और हैप्पी रहिए, ठीक है. तो गाइज ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए. अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर.